हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। यहाँ पे प्लीज़ आप एलियन स्पीशीज को कंफ्यूज मत कीजिए, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं बाहरी दुनिया से कोई इंडिया प्लैनेट अर्थ पे आ गया, अटैक कर रहा है, ये वो नहीं है। मैं आपको क्लियर करूँगी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होते हैं। और भारत में हमने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं इन स्पीशीज के द्वारा, तो क्या जो इंडिया है काफ़ी वल्नरेबल है इन अटैक्स के, क्यों है, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ये हम जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होते हैं। ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जहाँ आपको 100% कवरेज यूपीएससी वास सिलेबस का मिलेगा। टॉप फैकल्टीज द्वारा ये कोर्सेज प्रिपेयर किए गए हैं। आप हर महीने 625 रुपये दे के भी ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। रेलेवेंस क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पेपर 3 जो है आपका, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या है और एलियंस इन्वेसिव स्पीशीज़ इंडिया में क्या रोल है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये टॉपिक आपको मालूम होने चाहिए। अब किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ की। आफ्टर ऑल ये क्या है, देखिए इन्वेसिव स्पीशीज़ होता है जो जिस जगह में आ गया बट वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, नेटिव नहीं है। यानी इंडिया में इन्वेसिव स्पीशीज़ हम उसको बोलेंगे जो स्पीशीज़ कभी, या कोई प्रजाति जो कभी इंडिया में नहीं पाई जाती थी, वो इंडिया की नेटिव नहीं है बल्कि कहीं बाहर से आई है, यानी उसको हम इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज भी बोल सकते हैं। लेकिन इस इन्वेसिव स्पीशीज की खासियत क्या है कि इसमें इस तरह की टेंडेंसी रहती है कि ये बहुत इजीली स्प्रेड कर जाती है, इतनी डिग्री तक जितना हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, ह्यूमन इकोनॉमी को डैमेज होता है, ह्यूमन हेल्थ को भी डैमेज होता है। इस टर्म को यूजुअली अप्लाई किया जाता है उन इंट्रोड्यूस स्पीशीज के लिए जिनका हैबिटेट्स और बायो रीजन पे बहुत बुरा असर होता है, और इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली और इकोलॉजिकली ये टोटली इन्वेड कर लेती हैं। राइट, आई होप आपको अब क्लियर है कि इन्वेसिव जो स्पीशीज हैं, एलियन स्पीशीज हैं, वो क्या मतलब रखती हैं। अब आते हैं कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में इंडिया में इस तरह के हमने बहुत अटैक्स देखे, 10 मेजर इन्वेसिव पेस्ट और वीड अटैक्स, यानी जो पेस्ट इंडिया में नहीं पाए जाते थे, जो फसलों को ख़राब कर देते हैं, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जिनको जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, वो इंडिया में नहीं पाए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से पिछले 15 सालों में वो इंडिया में एंटर हुए हैं। क्या रूट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखिए इनका क्या क्या नुकसान, यूजुअली हमने देखा कि जब भी इनके अटैक हुए, फूड क्रॉप्स को बहुत नुकसान हुआ, इकोलॉजिकल कंडीशंस को नुकसान हुआ, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं या जो स्पीशीज एनिमल्स की भी यहाँ पे पाई जाती हैं, उनको जितना खाना मिल रहा है वो डिवाइड होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उन पे ये पेस्ट और वीड ये भी अटैक करेंगे, तो जो ऑलरेडी इकोलॉजी हमारी चल रही है उस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। डिप्लीट वाटर लेवल्स हमारे कम हो जाएंगे, और डिजीजेस भी ये पेस्ट और वीड्स की वजह से फैलती हैं। तो 15 सालों में जितने अटैक हुए ये उनके नुकसान हैं जो हमने देखे। मोस्ट रिसेंट इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी थी हमारी, फॉल आर्मी वॉर्म। इस पे स्टडी आई क्यू पे अलग से भी वीडियो अवेलेबल है। और ये जो फॉल आर्मी वॉर्म था, इसने जितना हमारा मेज की जितनी भी फसल थी, मक्की की फसल जिसको बोलते हैं, 2018 में टोटली डिस्ट्रॉय कर दी। और इसका ये असर हुआ कि आप फिर जाके भारत को बाहर से 2019 में बाहरी देशों से इम्पोर्ट करना पड़ा मेज, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस वर्म की वजह से, फॉल आर्मी वर्म जिसका नाम था। अब आगे की बात है,
ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इस तरह के इन्वेजन्स क्यों होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि 15 सालों में किस तरह के साइलेंट इंट्रूडर्स इंडिया में आए हैं। 2019 में देखिए आपका अनियन वीट, इनके साइंटिफिक नेम भी साथ में दे रखे हैं। रेड कलर का मतलब है ये पेस्ट कौन सी कंट्री या रीजन से इसका ओरिजिन है, कहाँ पे पाया जाता है ओरिजिनली, किस क्रॉप पे, इस कलर का मतलब है किस क्रॉप पे, ये जो स्लाइट ऑरेंजस रस्ट सा कलर है कि किस क्रॉप पे ये असर डालता है, उसको ख़राब करता है, कौन सी स्टेट पे इसका इम्पैक्ट देखा गया, और ग्रीन कलर से कि क्या इसका नाम है। तो देखिए अनियन वीट जैसे आया, ओरिजिनली ये अफ्रीका, साउथ यूरोप, वेस्ट एशिया में पाया जाता है। अनियन को बहुत डैमेज किया इसने भारत में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके बाद आपकी वाइट फ्लाई, सेंट्रल अमेरिका का इसका ओरिजिन है, बनाना, कोकोनट, मैंगो और जैक फ्रूट पे इसने असर किया, केरला में इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखा गया। फिर आपका टोमेटो लीफ माइनर, साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है, टोमेटो की फसल इसने काफ़ी ख़राब की, टमाटर सबसे ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखा गया। 2018 में पपाया मीली बग, नॉर्थ अमेरिका इसका ओरिजिन है, पपाया जो आपका फ्रूट रहता है पपीता, उस पर इसने बहुत बुरा प्रभाव डाला, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु पे इसका असर देखा गया, और यहाँ पे हर साल भी दे दिया है ये 2016, 2014, 2012। अब हम आते हैं फिर से 2019 पे, डबल गी या जी बोल लीजिए, ओरिजिन इसका साउथ अफ्रीका, वीट पे असर डाला, हरियाणा में देखा गया। 2018 में फॉल आर्मी वॉर्म, ओरिजिन इसका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, मेज इसने मैंने आपको बताया पूरी तरीके से ख़राब कर दी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर्नाटका पे देखा गया। 2014 कॉफ़ी बेरी बोरर, नॉर्थ अमेरिका इसका ओरिजिन, कॉफ़ी की फसल इसने बहुत ज़्यादा ख़राब की, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु पे असर देखा गया। तो इसी तरीके से 2009-2004 तब भी कोई ना कोई इस तरह का पेस्ट हमने देखा, जिसने जैसे कॉटन, ये यूकेलिप्टस इन प्लांट्स पे, कोकोनट, ये इंडिया पे आए, कहीं बाहर से इनका ओरिजिन है, और इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स में जो हमारी फसलें हैं वो ख़राब की। इससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ा, हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़र्क पड़ा, हमारे इकोसिस्टम, हमारे इकोलॉजी पे भी नुकसान देखने को मिला। अब देखिए इस तरह के इन्वेजन्स भारत में क्यों होते हैं, इंडिया में क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पे पिछली स्लाइड में जितने नाम मैंने डिस्कस किए हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेंस में कोई सवाल आता है आप एक दो नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वहाँ का ओरिजिन लिख देते हैं, किन फसलों पे उन्होंने इम्पैक्ट डाला, एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग में, अगर आप पे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज पे, या इनफैक्ट इकोनमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ये आप मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं कि इंडिया में इस तरह के इन्वेशंस जो हैं वो क्यों होते हैं। देखिए बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये पेस्ट वीड्स कहाँ से एंटर कर रहे हैं। कोई भी हमारे देश में इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो प्रोब कर सके, जो इंक्वायरी कर सके कि आफ्टर ऑल ये कहाँ से आ रहे हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, MAFW, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कंट्रोल करना कि इन्वेसिव पेस्ट और वीड्स को, और इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन अभी तक कोई भी इन्वेशन आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है कि आफ्टर ऑल ये भारत के नेटिव नहीं है, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। देखिए इनकी एंट्री किस तरह से चेक हो सकती है, इन्वेसिव पेस्ट और वीड्स जो हैं ये क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ऑल दो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है लेकिन हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। देखिए जो बॉर्डर्स हैं वो इंसानों के लिए हैं, हमारे देश की आर्मी के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, एनिमल्स के लिए, इस तरह की स्पीशीज़ के लिए कोई बॉर्डर्स नहीं हैं। तो ऑब्वियसली ये दूसरे बॉर्डर से इंडिया में उड़ के आ सकती हैं और फिर यहाँ आके ये मल्टीप्लाई कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। इस केस में अगर ये बॉर्डर से उड़ के आ रही हैं एक जगह से, जैसे पाकिस्तान से आ गई, बांग्लादेश से आ गई, चाइना से आ गई, राइट, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ये हम समझते हैं। लेकिन अगर ये
एयरपोर्ट से आ रही हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें, जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर का सामान है, हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद इनको डॉकयार्ड में रखा जाता है। जो कार्गोज हैं आपके, वो डॉकयार्ड्स में पड़े रहते हैं, जितना भी आपका इंपोर्टेड ग्रेन रहता है। या फिर कोई टूरिस्ट जो है वो इस तरह से अपने साथ कुछ खाने की चीज़ ला रहा है, ये किसी भी तरीके से उसके थ्रू आ रही है, तो ये चीज़ें जो हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं इनको वीड आउट कर सकती हैं, भारत को इनके अटैक से बचा सकती हैं, राइट? या तो ये इंपोर्ट वाले माल के साथ आ रहा है या तो टूरिस्ट के साथ आ रहा है, इन दोनों ही चीज़ों पे हम चेक रख सकते हैं। इसी रीज़न के लिए जो काफ़ी सारे देश हैं उनमें एनिमल प्लांट और हेल्थ क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ होती हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का मतलब यही है कि अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट होता है तो हम उसको सेपरेट रख सकते हैं, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स ना हो, जहाँ पे ये पूरी चेकिंग की जाती है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं हमें भारत जो है थोड़ा पीछे लगता है कि हम इतने स्टेप्स नहीं ले रहे हैं हमको गार्ड करने के लिए, स्पेशली जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात आती है और इतने सारे बल्क इंपोर्ट्स हम बाकी देशों से कर रहे हैं, तो हमको भी अपनी चेकिंग जो है एयरपोर्ट पे, क्योंकि दो रीजंस है, बॉर्डर वाले रीजंस पे हम कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपोर्ट्स और टूरिस्ट वाला रीज़न है इस पे हम चेक कर सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं हमें करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से हम एंट्री को रेगुलेट कर सकते हैं भारत में, या अभी किस तरह से ये रेगुलेटेड है। तो देखिए, जब भी कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाहर वाली कंट्री से इंडिया में आता है, तो जो हमारे कस्टम ऑफिशियल्स हैं, जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, वो चेक करते हैं कि क्या उनके पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का क्या महत्व है, ये दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन नहीं है किसी भी पेस्ट या वीड द्वारा। और इसको कौन इशू करता है, जो गवर्नमेंट होती है एक्सपोर्टिंग कंट्री की, जिस देश से, सपोज ऑस्ट्रेलिया से कोई यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, तो हम उसका फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चेक करेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका द्वारा एक्सपोर्टिंग कंट्री द्वारा दिया होगा कि हाँ हम ये गारंटी लेते हैं इस फसल में या जो हमने खाने का सामान भेजा है इस प्रोडक्ट में कोई भी पेस्ट या वीड नहीं है। सपोज हमने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए चेक कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है अगर सर्टिफाइड है, फिर इसको क्लियर करते हैं क्वारंटाइन सिस्टम द्वारा। एक सैंपल उठाते हैं और उसको क्वारंटाइन सिस्टम द्वारा चेक किया जाता है, और अगर उस प्रोडक्ट में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फॉरेन गवर्नमेंट को, इंडिया को इन्फॉर्म करना है कि हम ये सामान भेज रहे हैं, इसमें हमने चेकिंग नहीं की है, इनके पास फाइटोसैनिटरी सिस्टम नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो हमारा क्वारंटाइन सिस्टम है जो इस चीज़ को चेक करता है, वो पूरा जो सामान बाहर से आया है उसको फ्यूमिगेट किया जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, और फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दो चीज़ें हैं, दो रूट्स हैं, राइट? और ये जो फ्यूमिगेशन होती है ये 48 आवर्स के लिए होती है, और ये डिपेंड करती है 48 आवर्स यानी 2 से 48 आवर्स मैक्सिमम, और डिपेंड करती है कि जिस चीज़, जिस प्रोडक्ट को फ्यूमिगेट करना है उसका कितना वॉल्यूम है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, और कंपनी जो है जहाँ से वो आया है उसको चार्ज किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो ये रेगुलेशंस रहती हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पे क्या चेक्स रहते हैं। जो इंपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, उनको गवर्न किया जाता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914 द्वारा। देखिए हमारे देश में अराउंड 108 प्लांट क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो कि मेजर एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, ट्रांसबॉर्डर रेलवे स्टेशन पे, और जितने भी चेक पोस्ट हैं इन क्वारंटाइन सेंटर्स के, ये किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। अब देखिए अगर इतना सब ऑलरेडी है तो हमको कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि जो इन्फ्लक्स इन केस हो रहा है, ऑलरेडी हुआ है पेस्ट और वीड्स द्वारा, तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमारे जो क्वारंटाइन सिस्टम्स हैं उनको भी एक रीलुक की ज़रूरत है, ओवरहॉल की ज़रूरत है, अपडेशन की ज़रूरत है। सपोज़ नेपाल ने क्या किया,
जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया से नेपाल में जा रहे थे जिनके पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं था जून में, उनको लेने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे क्या हुआ था, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम बिहार में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था। तो नेपाल ने जितने भी प्रोडक्ट्स इंडिया से जा रहे थे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं था उनको लेने से मना कर दिया। तो वे फॉरवर्ड में हम यही बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंट्रीज़ पूरी दुनिया में बहुत सीरियस हो रही हैं एलियन पेस्ट और माइक्रोब्स को लेके। एक वर्ड है बायो टेररिज्म। टेररिज्म तो आप समझते हैं, बायो टेररिज्म का मतलब है कि कुछ ऐसा पेस्ट अगर किसी ने इंडिया में भेज दिया, कुछ ऐसा वीड इंडिया में भेज दिया जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो, लोगों को नुकसान होगा तो ऑब्वियसली उस देश की इकोनॉमी बहुत वीक हो जाएगी। तो बायो टेररिज्म एक रियलिटी भी बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो क्वारंटाइन सिस्टम है जो ये सब चेक करता है कि कैसे सेपरेट रखना है हमने ख़राब चीज़ों को, इन्फेस्टेड चीज़ों को हमारी कंट्री में एंटर होने से, हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर उसमें कोई कमी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये इस तरह के 15 सालों में जो हमने इतने अटैक्स देखे हैं ये नहीं होते। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी है हमारे सिस्टम्स में जिनको ओवरहॉल की ज़रूरत है, अपडेशन की ज़रूरत है, ताकि बायो टेररिज्म भारत में एक रियलिटी ना बन पाए, हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं कि कैसे रेगुलेशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारे क्वारंटाइन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं जो ये सब चीज़ें चेक करता है। क्वारंटाइन सिस्टम यानी कि इन चीज़ों को अलग से रखा जाता है और वहाँ पे इनको ट्रीट किया जाता है, कि जैसे मैंने बताया फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हमने उसको फ्यूमिगेट किया, राइट? उसको हमारे इन्वायरमेंट के साथ जल्दी से हम टच में नहीं आने देते और अपने देश को महफूज रखते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक द्वारा। थैंक यू।